आप सभी मीठे मीठे स्नेही आत्मिक भाइयों को ओम शांति। बाबा का याद प्यार और बाबा के इस शिवरात्रि, बाबा का अवतरण, बाबा का जन्मदिवस, जो हमें बाबा ने यथार्थ ज्ञान में शिवरात्रि का अर्थ समझाया। यूं तो भक्ति में बाबा कहते हैं, जैसा जिसने कहा वैसा तुमने शिवरात्रि को समझा और वैसे ही उसे त्यौहार के तरह मनाते आए। बाबा ने हमें शिवरात्रि का अर्थ समझाया और बताया कि असल में शिवरात्रि क्या है, और शिवरात्रि का अर्थ समझाते हुए बाबा ने बताया कि कलयुग के दुख और अशांति की रात्रि में निराकार परमात्मा शिव अवतरित होकर हमें अज्ञान की नींद से जागरण करवाते हैं। हम शिव परमात्मा पर अपनी कमजोरियों के आग के फूल और धतूरा चढ़ाते हैं, पवित्र और सात्विक जीवन जीने का व्रत लेते हैं। परमात्मा शिवरात्रि में आकर सृष्टि पर सतयुगी सवेरा लाते हैं। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर स्वपरिवर्तन की प्रतिज्ञा लेते हैं। यही अर्थ बाबा ने बताया। आज 9 फरवरी 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। बाबा ने महावाक्यों में कहा, मीठे बच्चे, शिव जयंती पर तुम खूब धूमधाम से निराकार बाप की बायोग्राफी सबको सुनाओ। यह शिव जयंती ही हीरे तुल्य है। प्रश्न है, तुम ब्राह्मणों की सच्ची दिवाली कब है और कैसे? उत्तर में मीठे बाबा ने कहा, वास्तव में शिव जयंती ही तुम्हारे लिए सच्ची सच्ची दिवाली है, क्योंकि शिव बाबा आकर तुम आत्मा रूपी दीपक को जगाते हैं। हर एक के घर का दीप जलता है, आत्मा रूपी दिया, जिसमें ज्ञान घृत ना होने की वजह से वो एकदम अज्ञान अंधेरी कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ दीपक को ज्ञान घृत डाल परमात्मा उसे जगाते तो हर एक के घर का दीप जलता, अर्थात आत्मा की ज्योति जगती है। वह स्थूल दीपक जलाते, लेकिन तुम्हारा सच्चा दीपक शिव बाप के आने से जगता है, इसलिए तुम खूब धूमधाम से शिव जयंती मनाओ। तो सभी को खूब बधाइयाँ और खूब खुशी मनाओ। आत्मिक खुशियाँ होनी चाहिए, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलना है, ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं। तो खूब खूब बधाइयाँ, और आप सभी को बाबा के मिलने की बधाइयाँ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे शिव की जयंती मनाते हैं, और भारत में तो शिव जयंती मनाती ही हैं। जयंती एक ही मनाई जाती है, उसको फिर सर्वव्यापी कह देते हैं। अब सर्वव्यापी की जयंती तो हो ना सके। जयंती कब मनाई जाती है? जब गर्भ से बाहर आते हैं। शिव जयंती मनाते तो जरूर हैं, आर्य समाजी भी मनाते हैं। अभी तुम मनाएंगे 2024 में 88। ये कौन सी जयंती है? बाबा 100 वर्ष के लिए होते हैं, तो ये 88वीं जयंती है। गोया 88 वर्ष हुआ है जयंती को। अभी बाकी हिसाब लगा लो कितना बचा, 88 + 2 + 20, है ना? तो हो गया 100 टोटल। तो बाबा कहते हैं 88 वर्ष हुआ जयंती को। जन्मदिन तो सबको याद रहता है, फलाने दिन यह गर्भ से बाहर आया। अब शिव बाबा की तुम 88वीं जयंती मनाएंगे, वह तो है निराकार, उनकी जयंती कैसे हो सकती है?
इतने बड़े बड़े मनुष्यों के पास निमंत्रण कार्ड जाते हैं कोई को पूछना तो चाहिए जयंती कैसे मनाते हो, उसने जन्म कब और कैसे लिया, फिर उसके शरीर का नाम क्या रखा। परंतु ऐसे पत्थर बुद्धि हैं जो कभी पूछते नहीं हैं। तुम उनको बता सकते हो वह है निराकार, उनका नाम है शिव। तुम सालिग्राम बच्चे हो, जानते हो इस शरीर में सालिग्राम है, नाम शरीर का पड़ता है, वह है परमात्मा शिव। देखो शिवरात्रि पर हमें जो भक्ति में बताया गया और हम करते भी आए और अभी भी बहुत बाबा से जुड़े हैं, ज्ञान में चल रहे हैं, फिर भी वही कर रहे हैं। तो बेर, बाबा ने बैर कहा, लोगों ने स्थूल बेर से उन्हें जोड़ दिया और बेर चढ़ाने लगे। बाबा ने अहंकार कहा, आत्मा का अंतर मन में जो आपकी अशुद्ध भावना है, अशुद्ध विचार है, वो कड़वे बोल वो सब चढ़ाने की बात बाबा ने मन से उसे त्यागने की बात कही। तो ईश्वर की इस बात को धतूरा और ये सब जो भी उनके ऊपर में चढ़ाने लगे, भांग धतूरा नशे की चीज़ें जहरीली चीज़ें, उस स्थूल वस्त्र में उसे तौल दिया। फिर बाबा ने कहा कि बैर चढ़ाओ, अहंकार चढ़ाओ, तो देह का भान चढ़ाने की बात जहाँ तक कहे, तो फिर मुर्दे की भभूत लेकर के कि नया ताजे मुर्दे की भभूत चढ़ने का उसमें दिखा दिया। तो ना जाने कितने तरह की बातें भक्ति में बताई गईं और हम सुनते आए और हमारे आजे पराजे भी द्वापर से वही सुनते आए, तो उन्होंने भी वही बात माने। कभी किसी ने किसी से पूछा कि यह कब से चला आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि परंपरा है, ये तो चलता आ रहा है, कभी ख़त्म नहीं होता, यूँ ही चलता रहता है, चलता रहेगा। तो उस पर हमने विश्वास किया। अब जब परमात्मा कहते हैं तो हम उनके महावाक्यों पर प्रश्न मार्क खड़ा कर देते हैं, क्योंकि इतनी भक्ति हो गई है कि वो भक्ति में शक्ति नहीं थी लेकिन हम उसे ही सब कुछ मानते आए। तो इस तरह से जो कुछ भी स्थूल में हमने भगवान को वस्तुओं से तौलना शुरू किया, जबकि परमात्मा ने यथार्थ सब बताया है कि क्या चढ़ाना है, क्या छोड़ना है, क्या समर्पण करना है, क्या तुमको त्याग करना है। तो सब ने फिर पहले फिर भी गाय वगैरह दिया करते थे, जो पंडित के थ्रू भगवान को कहते थे कि परमार्थ के लिए ईश्वर अर्थ दिया, तो अभी फिर भी गाय भी मिट्टी के देने लगे। तो सब बिल्कुल ऐसे ही। तो परमात्मा कहते हैं कि जब आपने मुझे झूठे वस्तुओं से तौल कर रखा है, जब आप सच्चाई पर चलकर सच्ची चीज़ों का चढ़ावा नहीं चढ़ाएंगे, तो भला मैं तुम्हारे कैसे काम आऊँगा। तो सब बुद्धि से समझने की बातें हैं। बाबा कहते हैं कि कोई को तो पूछना चाहिए ना कि जयंती कैसे मनाते हो, है ना, किसको पता नहीं है, पत्थर बुद्धि है जो कभी पूछते नहीं है। तुम उनको बता सकते हो वह है निराकार, उनका नाम है शिव। तुम सब कौन हो, सालिग्राम बच्चे हो, और सालिग्राम बाबा ने किसे कहा, आत्मा को। तो जानते हो इस शरीर में सालिग्राम है, नाम शरीर का पड़ता है, वह है परमात्मा शिव। है हम बच्चों की, बाबा कहते हैं जो तुम्हारा शरीर है ना, उसमें जो आत्मा बैठी है वो तुम सालिग्राम बच्चे इस शरीर में बैठे हो, लेकिन परमात्मा जिस शरीर का आधार लेते हैं ना, तो वो शिव बाबा आते हैं ब्रह्मा तन में, है ना, लेकिन ब्रह्मा तन में भी उसकी आत्मा है, सालिग्राम के बगल में आकर के शिव बाबा बैठते हैं। तो जो शिवरात्रि पर या किसी भी समय पर जो अभिषेक वगैरह होते हैं, तो बाबा ने कितने दफ़ा कहा कि जो अभिषेक में शिवलिंग बड़ा वाला रखते हैं वो मेरा प्रतीक है, और जो रुद्री रखते हैं साइड में लंबा लंबा करके, वो तुम आत्माओं का प्रतीक है। तो अब तुम कितना धूमधाम से प्रोग्राम रखते हो, दिन प्रतिदिन तुम धूमधाम से समझाते रहते हो कि जब शिव बाबा की ब्रह्मा के तन में प्रवेशता होती है वही उनकी जयंती गाई जाती है। तो बाबा ने बता दिया कि 28वीं
जन्मदिन है, जन्म उनकी तिथि तारीख कोई होती नहीं है ना, अवतरण लेते हैं उनकी कोई तिथि तारीख नहीं होती। कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, एक बहुत ही प्यारा दोहा भी पहले भक्ति में बहुत गाया करते थे, याद था रामायण पढ़ने के समय। कबीरा इस संसार में मिलिए सबसे धाए, और ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तो देखो नारायण आए हैं नर के तन में, तो वो नर से नारायण है ना बनाते हैं, तो नर से नारायण बनाने वाला, परे ते परे रहने वाला इस तन में प्रवेश कर इनको नर से नारायण बनाते हैं। तो वो हो गया नारायण बनाने वाला रचता है। तो बाबा कहते हैं कब प्रवेश करता हूँ या किसको, परंतु कब किस घड़ी में वह नहीं बताते ना। तो तिथि तारीख दिन आदि बताएं तो कहें कि फलानी तारीख जन्म पत्री आदि तो इनकी होती नहीं। वास्तव में जन्म पत्री तो सबसे ऊंची इनकी है, कर्तव्य भी इनका सबसे ऊंचा है। कहते हैं प्रभु तेरी महिमा परंपार है। अब बाबा कहते हैं महिमा भी मैं खुद की खुद नहीं गाता हूँ, महिमा भी तुम बच्चे इस ज्ञान के बाद जब तुम समझ जाते हो तो फिर मेरी महिमा तुम्हारे मुख से सुनाई देती है, फिर महिमा परंपार कहते हैं। तो जरूर कुछ करते होंगे तब तो उनकी महिमा अपरंपार है करके गाते। तो महिमा तो बहुतों की गाई जाती है, नेहरू गांधी आदि सबकी महिमा गाते हैं, इनकी महिमा कोई बता ना सके। तुम समझाते हो वह ज्ञान का सागर शांति का सागर है, वह तो एक ठहरा ना शांति का सागर ज्ञान का सागर, फिर उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकते। यदि सभी शांति के सागर सभी ज्ञान के सागर होते तो फिर अदर अशांति और अज्ञान क्यों होता। हाँ समझने की बात है, परंतु कुछ भी समझते नहीं हैं। और तुम मनाते हो तो कोई पूछने का साहस भी नहीं करते हैं, नहीं तो पूछना चाहिए। शिव जयंती मनाई जाती है, महिमा गाई जाती है, तो जरूर कोई होकर गए हैं। बहुत भक्त लोग अगर गवर्नमेंट ना माने तो भक्तों साधुओं गुरुओं की स्टैंप भी ना बनाए। जैसे है बायोग्राफी, बाबा कहते हैं जैसी है गवर्नमेंट ऐसी है रैयत प्रजा। अभी तुम बच्चों को बाप की बायोग्राफी का भी अच्छी तरह मालूम पड़ा है। बाबा क्या कह रहे हैं, अगर गवर्नमेंट ना माने तो भक्तों साधुओं गुरुओं की स्टैंप भी ना बनाए। जैसी है गवर्नमेंट ऐसी है रैयत, हाँ तो प्रजा भी तुम बच्चों को बाप की बायोग्राफी का भी अच्छी तरह मालूम पड़ा है। नहीं तो हम भी वैसे ही जैसे अभी हम जिनको बोलते रहते हैं कि वो अज्ञान हैं, उनको कुछ नहीं पता है, यथार्थ सबको सब कुछ पता है हमको। यथार्थ तो ये देह भान में आकर के नहीं कहना, परमात्मा आपको मिला परमात्मा ने बताया तो पता पड़ा, आपको कैसे पता पड़ता। हम तो यही इसी विषय वेतर में नदी में गोते खा रहे थे, अभी भी वही हो रहा है। अभी तो नहीं है ना कर्मातीत अवस्था, तो अभी आपको देह में जब तक भान है तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। तो तुमको जितना फखुर रहता है उतना और कोई को नहीं रहता, रह भी नहीं सकता। तुम ही कहते हो शिव जयंती हीरे तुल्य है, बाकी सब जयंतियां कौड़ी मिसल हैं। बाप ही आकर कौड़ी को हीरे तुल्य बनाते हैं। श्री कृष्ण भी बाप द्वारा इतना ऊंच बना इसलिए उनका जन्म हीरे तुल्य गाया जाता है। पहले कौड़ी तुल्य होगा फिर हीरे तुल्य बाबा ने बनाया। तो ब्रह्मा भी कैसे हैं, कौड़ी तुल्य थे फिर कैसा बने हीरे तुल्य, तो बनाने वाला कौन, बाप। यह बातें मनुष्य नहीं जानते, उनको ऐसा वर्ल्ड का प्रिंस किसने बनाया तो यह भी समझाना चाहिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, बच्चा तो माता के गर्भ से ही बाहर निकला, उनको टोकरी में ले गए। जब बाबा कहते अब श्री कृष्ण तो वर्ल्ड प्रिंस था फिर उनको डर काहे का, वहां कंस आदि कहां से आया। यह सब बातें शास्त्रों में लिख दी हैं, अब तुमको अच्छी रीति समझाना चाहिए।
समझाने की युक्तियां बहुत अच्छी चाहिए। सब एक जैसा नहीं पढ़ा सकते, युक्ति युक्त ना समझाने से और ही डिसर्विस होती है। अच्छा, यहाँ एक बात याद आती है, जैसे बाबा ने ऊपर पॉइंट्स में महावाक्यों में लिखा कि मेरी अवतरण की जन्म तिथि या मैं कब कैसे कब उसमें आता हूँ ब्रह्मातन में, तो उसकी कोई तारीख तिथि नहीं है। तो ठीक वैसे ही बाबा कहते हैं जब बाहर आते हैं तब पता चलता है ना कि कब आए करके, है ना। तो बच्चा जब जन्म लेता है तो जब गर्भ से बाहर आता है तभी उसकी जन्म तिथि होती है। तो जब यूँ तो जन्म तिथि हम होरोस्कोप उस हिसाब से लिखते हैं, उस हिसाब से बनवाते हैं होरोस्कोप पत्रियाँ, जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आ जाता है वो डेट एंड टाइम लिखा जाता है। जबकि आत्मा माँ के गर्भ में तो पांचवे छठे चौथे पांचवे मंथ में या छठे मंथ में ही प्रवेश कर लेती है। तो जिस दिन आत्मा उस गर्भ में आ गई, जिस दिन आत्मा अवतरण हो गई शरीर में गर्भ के अंदर, तो उस दिन की तिथि तारीख लिखी जानी चाहिए, क्योंकि उस दिन से तो उसमें जान आ जाती है जीव, है ना। वो फिर ग्रोथ करने लग जाता है, उसमें फिर सब चीज़ें माँ के हिस्सा जो माँ सोचती है वो बच्चे में जाते हैं, ओल्ड बर्थ से आते हैं, फिर जन्म के बाद में आसपास के घर के व्यवहार से, समाज से, रिश्तेदारों से, फ्रेंड सर्किल से, स्कूल से, तो ऐसे फिर बच्चा जब बड़ा होता है तो उसके संस्कार भरते। तो लेकिन माँ के गर्भ में जैसे ही आत्मा आ जाती है शरीर में, वैसे ही वो करना शुरू कर देता है, अपना मूवमेंट शुरू हो जाता है। एक तरह से अंदर कर्म करना तो नहीं शुरू करता, लेकिन जो भी माँ सोचती है वो सब कहते बच्चे में चला जाता है। तो फिर वो डेट सही होनी चाहिए। जन्म तो वो बाद में लेता है ना, पहले ही आ जाता है जीव। तो ये सब बातें समझने की हैं। वही बाबा कह रहे हैं कि तिथि तारीख कोई नहीं होती है। अब शिव जयंती मनाई जाती है तो जरूर शिव की ही महिमा करेंगी, गांधी जयंती पर गांधी की ही महिमा करेंगे, और कुछ सोचेगा नहीं। अब शिव जयंती तुम मनाते हो तो जरूर उनकी महिमा, उनकी बायोग्राफी व जीवन चरित्र भी होगा। तुम उस दिन उनका ही जीवन चरित्र बैठ सुनाओ। जैसे बाप कहते हैं मनुष्य कोई पूछता भी नहीं है कि शिव जयंती कैसे शुरू हुई, है ना। कभी बोल देते हैं आज के दिन शिव और पार्वती की शादी हुई, तो खूब शिव पार्वती की शादियां ढोल ढमाके बजा के जैसे नॉर्मल से करते, वैसे तो आजकल तो और जितना आडंबर हो गया है, इतना ये भक्ति में जैसे जैसे दुनिया तमो प्रधान हो रही, इतना शो ऑफ होने लग गया, इतना शो ऑफ होने लग गया। तुलसी विवाह करेंगे तो चार दिन का रखेंगे, एक दिन हल्दी, एक दिन मंडप, वो तुलसी को वस्त्र पहनाएंगे, रील्स डालेंगे, मीडिया पर डालेंगे, यहाँ ऐसे पूजा हुई, वहाँ वैसे पूजा हुई। अरे मन में जो अंतर है आत्मा, उस अंतर मन में बैठी उस आत्मा की शादी, है ना, उसके साथ होती है जो आत्मा को शुद्ध करता है, है ना। परमात्मा उनमें गुण भरता है, उनका श्रृंगार करता है, साज श्रृंगार करके उसको पूरे कल्प के लिए इतना पक्का, इतना सच्चा, इतना अच्छा बनाता है कि वो आधे कल्प सुखी रहती है। तो बाबा कहते हैं कि इस तरह से अभी देखो कितना सब करते हैं, है ना। तो और कुछ सोचेगा नहीं, सिर्फ उस दिन उसी उसी की बात करेंगे। तो बाबा कहते हैं तुम उस दिन उनका ही जीवन चरित्र बैठ सुनाओ, है ना। जैसे बाप कहते हैं अभी तो कोई पूछता नहीं कि कैसे शुरू हुई, उसका कुछ भी वर्णन है नहीं, उनकी महिमा तो अपरंपार गाई जाती है। शिव बाबा को भोलानाथ कब बहुत महिमा कर, कह बहुत महिमा करते हैं, कहते हैं ना भोलानाथ कहकर बहुत महिमा करते हैं। वह तो भोला भंडारी है, कितना भोला है नहीं भोला, तो वह लोग शिव शंकर कह देते हैं, शिव और शंकर को इकट्ठा दिखा देते हैं, जबकि शिव निराकार, कल्याणकारी, सत्यम शिवम सुंदरम, और शंकर जो विनाश करता। फिर इसे कह देते हैं कि वो जब क्रोध में आ जाते हैं, तांडव करते हैं, तो प्रकृति का विनाश हो जाता है।
जो मन में आया सो कहा और फिर विश्वास भी किया। तो शंकर को भोलानाथ समझ लेते हैं, वास्तव में भोलानाथ शंकर तो नहीं लगता, उनके लिए तो कहते हैं आंख खोली तो विनाश हुआ, धतूरा खाते उनको फिर भोला नाथ कैसे कह सकते हैं, हाँ धतूरा खाने वाले को भोला नाथ कैसे कह सकते हैं। तो महिमा तो एक की ही होती है, तुमको शिव के मंदिर में जाकर समझाना चाहिए, वहाँ बहुत लोग आते हैं, तो शिव का जीवन चरित्र सुनाना है। कहते हैं भोला भंडारी शिव बाबा, अब शिव और शंकर का भेद भी तुमने ही बताया है। शिव की पूजा होती है शिव के मंदिर में, तो वहाँ जाकर तुमको शिव की जीवन कहानी बतानी है। जीवन कहानी अक्षर सुनकर कोई का माथा ही चकित हो जाएगा कि शिव की जीवन कहानी कैसे सुनाएंगी। अच्छा, आपने देखा होगा मंदिरों में भी जो नंदी शिव उनकी पंचायत रहती है ना, गणपति और एक तरफ पार्वती, नंदी और शिव बैठे रहते हैं, ऐसे पंचायत शुरू से देखा कि रखी होती है। तो उसका भी देखो कितना अच्छा, बाबा के मुरली को सुनते सुनते आप कितना अच्छा उसमें यथार्थ प्रैक्टिकल में समझ सकते हैं कि जो शिव बाबा हैं वो तो है ही कल्याणकारी। अब पार्वती कहला गई आत्माएं, है ना, तो एक पार्वती की बात नहीं है। तो जब शिव बाबा कथा सुनाते हैं तो पार्वतियां सुनती हैं, है ना, पार्वतियां सुनती हैं, विघ्न विनाशक गणपति, है ना, उनके पुत्र कह दिया, तो विघ्नों को हरने वाले, है ना, विघ्न विनाशक बन करके तुम हर एक विकार पर जीत पाओ, हर एक इस जीवन की इस कठिन परिस्थितियों की इस रावण राज्य से तुमको हर एक माया रूपी विघ्न से अपने आप को क्या करना है, उधर से निकालना है, है ना। तो विघ्न विनाशक, अब नंदी जो दिखाया वो तो दिखाया ही है कि बाबा उनमें प्रवेश करके ये सब बताते हैं, पार्वतियों को सुनाते हैं, है ना, ब्रह्मा नंदी में आ करके, तो फिर ये सब कितना इजी है। अब शिव बाबा को देखो कपड़े अपड़े कुछ भी नहीं पहनाते हैं, उनके ऊपर में कहना चाहिए दही शक्कर ये सब जितना भी मैक्सिमम चीज़ें जो भी हैं जो चढ़ती हैं उनके अभिषेक के समय वो सफ़ेद रहती हैं। तो सफ़ेदी का मतलब ही है प्योरिटी, आत्मा की प्योरिटी, लेकिन वो परमात्मा एवर प्योर है, तो वो कभी अनप्योरिटी में आते ही नहीं है, है ना। तो वो हम आत्माएं जो हैं अनप्योर होती हैं, तो हमको सुनाते हैं वो कि कैसे तुम ये देह के भान से बाहर निकलो, है ना। तो शहद जैसा मीठा और दूध और शक्कर दही के जैसा प्योर, है ना, एवर प्योर रहने वाला, है ना। तो कोकोनट वगैरह भी दिखाते तो बाहर कैसा दिखाते, तो बाहर का जो आवरण है वो शरीर है ना, उसे दूर रखो, फिर अंदर में देखो भरा रहता है, तो आत्मा कितनी प्यारी है, कितनी सुंदर है, कितनी स्वच्छ है ना। तो वो सब वैसी थी, अब वैसा वापस बना रहे हैं। तो क्योंकि शिव जो हैं वो तो निराकार हैं, अभोक्ता हैं, कपड़े नहीं पहनते, खाते नहीं हैं, है ना, सोते नहीं हैं, जागती ज्योत है, गला नहीं है उनको, हार उनकी कभी होती नहीं, तो हार पहनाने की पहनने की आवश्यकता नहीं। तो बहुत ही प्यारी बाबा की बातें हैं, बाबा की मीठी मीठी मुरली है, मुरली सुन करके कितना आनंद आता है ना, जीवन परिवर्तन होता है। तो बाबा कहते मंदिर में जाकर के तुम ऐसे सब उनकी जीवन कहानी बताओ, तो वहाँ जाकर तुमको शिव की जीवन कहानी बतानी, जीवन कहानी अक्षर सुनकर मूंझ जाएंगे, कैसे सुनाएंगे, तो मनुष्य वंडरफुल बात समझ बहुत आएंगे, बोलो निमंत्रण पर जो आएंगे उनको हम निराकार परम पिता परमात्मा की जीवन कहानी बताएंगे। गांधी आदि की भी बायोग्राफी सुनते हैं ना, अभी तुम महिमा करेंगे शिव की, तो मनुष्यों की बुद्धि से सर्वव्यापी की बात उड़ जाएगी, एक की महिमा फिर दूसरे से मिल ना सके। यह तो यह जो मंडप बनाते हैं वह प्रदर्शनी करते हैं, वह कोई शिव का मंदिर तो है नहीं। तुम जानते हो सच्चा सच्चा शिव का मंदिर वास्तव में यह है, जहाँ रचता खुद बैठ रचता
और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, कौन से मंदिर में आके बैठते हैं, समझ के। तो तुम लिख सकते हो रचता की जीवन कहानी और रचना के आदि मध्य अंत का राज अथवा हिस्ट्री सुनाएंगे, हिंदी अंग्रेजी में लिखत हो, बड़े बड़े के पास जाएंगे तो वंडर खाएंगे कि यह कौन है जो परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी बताते हैं। सिर्फ रचना के लिए तुम कहेंगे तो समझेंगे प्रलय हुई फिर नई रचना रची, परंतु नहीं, तुमको तो समझाना है बाप पतितों को आकर पावन बनाते हैं तो मनुष्य वंडर खाएंगे, शिव के मंदिर में भी बहुत आएंगे, हाल व मंडप बड़ा होना चाहिए, हाँ हॉल और मंडप बाबा कह रहे बड़ा होना चाहिए, भल तुम प्रभात फेरी निकालते हो उसमें भी ये लक्ष्मी नारायण का राज्य किसने स्थापन किया, उन्होंने यह समझाना है। निराकार शिव बाबा जो सभी आत्माओं का बाप है वो ही आकर राजयोग सिखाते हैं, ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए कि कैसे शिव के मंदिर में जाकर सर्विस करनी चाहिए। शिव के मंदिर में सवेरे पूजा करते हैं, घंटे आदि भी सवेरे बजते हैं, शिव बाबा भी प्रभात के समय आते हैं, आधी रात नहीं कहेंगे, उस समय तुम ज्ञान भी नहीं सुना सकते हो क्योंकि मनुष्य सोए रहते हैं। रात को फिर भी मनुष्यों को फुर्सत होती है, बत्तियां आदि भी जलती हैं, रोशनी भी अच्छी करनी चाहिए, शिव बाबा आकर तुम आत्माओं को जगाते हैं। सच्ची दीपावली तो यह है, हर एक के घर का दीप जलता है, बाबा कहते हैं पानी आत्मा की ज्योति जगती है, घानी सॉरी यानी आत्मा की ज्योति जगती है। वह तो घर में स्थूल दीपक जलाते हैं परंतु दीपावली का वास्तव में अर्थ यह है, कोई कोई का दीपक तो बिल्कुल जगता नहीं। तुम जानते हो हमारा दीपक कैसे जगता है, कोई मरता है तो दीवा जलाते हैं कि अंधियारा ना हो, परंतु पहले तो आत्मा का दीपक जगे तब अंधियारा ना हो, नहीं तो मनुष्य घोर अंधियारे में है। आत्मा तो सेकंड में एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, अंधियारे आदि की इसमें बात ही नहीं, यह भक्ति मार्ग की रस्म है। घृत खलास होने से दीवा बुझ जाता है, अंधियारे का भी अर्थ कुछ समझते नहीं है। चित्र बाबा कहते हैं रखे हुए हैं तो पितृ आदि खिलाने का भी अर्थ नहीं समझते हैं, आगे आत्माओं को बुलाते थे कुछ पूछते थे, अभी इतना नहीं चलता है, जहाँ भी आते हैं कोई कोई समय कुछ बोल देते हैं, बोलो तुम सुखी हो तो कहेंगे हाँ जी, सो तो जरूर यहाँ से जो जाएंगे अच्छे घर में ही जन्म लेंगे, जन्म मरण अज्ञानी के घर में लेंगे। हाँ बाबा के कहते हैं जन्म जो है ना, जैसा अभी बाबा कहते हैं कि कोई गया छोड़ करके तो परम धाम तो चले नहीं जाएंगे, सतयुग में तो चले जाएंगे नहीं, त्रेता में तो जाएंगे नहीं, तो जो एक बार आ गया सो तो जरूर यहाँ से जो जाएंगे अच्छे घर में ही जन्म लेंगे, लेकिन जन्म जरूर अज्ञानी के घर में लेंगे। अज्ञानी अर्थात बाबा कहते हैं जहाँ ज्ञान है ही नहीं ना, ज्ञान तो आप दे रहे, तो ज्ञानी के घर में तो जन्म ले नहीं सकते क्योंकि ज्ञानी ब्राह्मण तो विकार में जा नहीं सकता, ज्ञानी जो ब्राह्मण है ना वो विकार में नहीं जा सकता, बहुत समझने की बातें, तो वह तो पवित्र है। बाकी हाँ अच्छे सुखी घर में जाकर जन्म लेंगे, विवेक भी कहता है जैसी अवस्था वैसा जन्म, फिर यहाँ अपना जलवा दिखाते, भल शरीर छोटा है इसलिए बोल ना सकी, है ना। बाबा कहते आत्मा तो संस्कार लेके जाती लेकिन शरीर छोटा होता है, तो जैसे अब ब्राह्मण आत्मा ने शरीर छोड़ा तो बाबा कहते ना हम सेवा के लिए फिर दूसरे उधर भी भेजना है तो फिर शरीर छूट जाता है, लेकिन छोटी आत्मा नहीं बोल सकती, तो थोड़ा बड़ा होने से ज्ञान का जलवा दिखाएंगे जरूर। जैसे कोई कोई शास्त्रों के संस्कार ले जाते हैं तो छोटेपन में ही उसमें लग जाते हैं, यहाँ से भी नॉलेज ले जाते हैं तो जरूर महिमा निकलेगी, है ना, कितने सारे ब्रह्मों को मारी
इस बहनें छोटे छोटे बच्चे कितना प्यार से कितना अच्छा बाबा का संदेश देते हैं, ऐसे ही जैसे छोटे छोटे दस दस आठ आठ दो दो साल के बच्चे बोलना शुरू करते हैं और भोजन मंत्र, गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा पढ़ना आजकल पाँच पाँच वर्ष के बच्चों ने, तो वो सब क्या है, जो आत्माओं ने संस्कार जैसे भरे वैसा गए वैसा ही शुरू हो गए, तो जल्दी जैसे बोलना शुरू करे अपने संस्कार आ जाते। तो बाबा कहते तुम शिव जयंती मनाते हो, वह लोग कुछ अर्थ नहीं समझ सकते हैं, पूछना चाहिए अगर वह सर्वव्यापी है तो जयंती कैसे मनाएंगे। अब तुम बच्चे पढ़ रहे हो, तुम जानते हो वह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। बाबा ने समझाया है, सिख लोग भी कहते हैं सत सिरे अकाल है, हाँ सत सिरे अकाल है। अब वास्तव में अकाल मूर्त तो सब आत्माएं हैं, है ना, जहाँ बैठी है आत्मा उसका कोई काल नहीं है आत्मा का, तो परंतु एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, इसलिए जन्म मरण कहा जाता है। आत्मा तो वही है, आत्मा 84 जन्म लेती है, कल्प जब पूरा होता है तो खुद ही आकर बताते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कैसे इसमें प्रवेश करता हूँ, जिससे तुम आपे ही समझ जाते हो, पहले नहीं समझते थे। हाँ परमात्मा की प्रवेशता है, परंतु कैसे कब हुई कुछ भी समझते थोड़े ही थे। दिन प्रतिदिन तुम्हारी बुद्धि में ये बातें आती जाती हैं, आती रहती हैं, नई नई बातें तुम सुनते रहते हो। आगे थोड़े ही दो बाप का राज समझाते थे, हाँ पता था पारलौकिक बाप के बारे में, नहीं पता था तो आगे तो जैसे बेबियाँ थी। अभी भी बहुत कहते हैं बाबा हम दो दिन का आपका बच्चा हूँ, इतने दिन का बच्चा हूँ, समझते हैं जो कुछ होता है कल्प पहले मिसल है ना, जिस दिन बाबा को पहचान लिया आत्मा खुद को समझ लिया उस दिन आपका अलौकिक जन्म हो गया, उस दिन से आपका पारलौकिक बाप और लौकिक बाप दो बाप याद हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे दो दिन पहले पता चला, अभी पता चला, तो एक दिन का बच्चा तुरंत पता चला, तो कुछ सेकेंड कुछ घंटे का बच्चा है ना, तो ये है बेबी की बात बाबा जो बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं इतने दिन का बच्चा हूँ, समझते हैं जो कुछ होता है कल पहले में से, इसमें बड़ी नॉलेज है, समझने में भी समय लगता है, जन्म ले मर भी पड़ते हैं, दो मास आठ मास का हो मर भी पड़ते हैं ना, तीन तीन दिन के गोद में गर्भ में चले जाते, तो तुम्हारे पास आते हैं कहते हैं यह राइज है, वह हमारा बाप है, हम उनकी संतान हैं, हाँ हाँ कहते हैं, बच्चे लिखते भी बहुत प्रभावित हो जाते हैं, फिर बाहर गया खलास मर पड़ा अर्थात बाबा को भूल गए है ना, फिर वही विषय वैतरणी में चले गए, तो फिर आते ही नहीं है तो क्या होगा, या तो पिछाड़ी में आकर रिफ्रेश होगा या तो प्रजा में आ जाएगा। हाँ सुन गए बाबा कहते, एक बार उन्होंने अमृत ज्ञान अमृत का एक बूंद भी पी ली तो समझो कि वो तर गए आगे मतलब उनके दुनिया में। तो यह सब बातें समझानी है, हम शिव जयंती कैसे मनाते हैं, शिव बाबा कैसे सदगति करते हैं, शिव बाबा स्वर्ग की सौगात ले आते हैं है ना, हथेली पर आए हैं सांझ को बाप लेकर के हथेली स्वर्ग पर ना अपने बच्चों को उपहार में देने, जैसे कि एक पिता नहीं आता खाली हाथ बाद शाम को ड्यूटी से, तो कुछ ना कुछ लेकर के आते हैं है ना, टोली लेकर आती नहीं, तो खुद कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, विश्व का मालिक बनाता हूँ, बाप तो है ही हेवन का रचयिता, तो जरूर हेवन का ही मालिक बनाएंगे। हम उनकी बायोग्राफी बताते हैं, कैसे स्वर्ग की स्थापना करते हैं, कैसे राजयोग सिखाते हैं, आकर सीखो, जैसे बाप समझाते हैं वैसे बच्चे नहीं समझा सकते हैं क्या, इसमें बहुत अच्छा समझाने वाला चाहिए, समझू बच्चा चाहिए, जब तभी तो समझ लेकर समझ आएगा। तो शिव के मंदिर में बहुत अच्छा मनाते होंगे, वहां जाकर समझाना चाहिए, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में अगर शिव की जीवन कहानी सुनाएंगे तो किसको जचेंगी नहीं। बाबा मुझे भी ख्याल आता है कि काश मैं भी ऐसे जगह होती, ऐसे जगह मेरा हिसाब बाकी रहता कि मैं भी मंदिर में जाके बाबा की सेवा कर पाती। देखो लेकिन बाबा ने ऐसे जगह बोला है कि बाबा बच्चे तुम्हारे यहीं पे दाना पानी है, तुम्हारा यहीं हिसाब है, तो तुमको यहाँ ही ऐसे ही सेवा करनी होगी। तो अभी तक तो बाबा ने घर घर जाकर ऐसे मंदिरों में जाकर सेवा का अभी मौका मुझे नहीं मिला, माफ़ी बाबा, जब कभी मिलेगा तो ज़रूर करूँगी। अच्छा
तो बाबा कहते हैं ख्याल में नहीं आएगा, किसको जचेगी नहीं अगर शिव की कहानी सुनाएंगे तो। तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में शिव की कहानी सुनाएंगे तो कैसे जचेगी? शिव के मंदिर में जो जाते हैं तो उनको शिव का ज्यादा भवका रहता है, तो शिव के मंदिर में जचेगी तो फिर उन्होंने अच्छी रीति बुद्धि से बिठाना पड़े। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत आते हैं, उन्होंने लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण का राज समझा सकते हो कि कैसे राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण, है ना? तो शिव के मंदिर में शिव का बताएं, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में राधे कृष्ण से शुरू करें, है ना? तो राम के मंदिर में फिर राधे कृष्ण से ही शुरू करना पड़ेगा, वही चंद्रवंशी में जाते हैं, है ना? तो इस तरह उनका अलग अलग मंदिर होना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण जयंती पर तुम श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर समझाएंगे, कृष्ण ही गोरा कृष्ण ही सांवरा क्यों गाया जाता है, ना? राम की भी एक सांवली एक गोरी मूर्ति है, तो बस सभी आत्मा काली है, तो वो वासना आती है कि आत्मा काली है तो काला रंग चढ़ा देते हैं, लेकिन यथार्थ बाबा ही समझाते। कहते हैं गांवड़े गांवड़े का छोरा, गांवड़े में तो गाय बकरियां चराते होंगे ना, बाबा फील करता है हम भी गांवड़े के थे, ना टोपी ना जुत्ती, है ना, ब्रह्मा बाबा की। तो अब स्मृति आती है हम क्या थे, फिर बाबा ने आकर प्रवेश किया है, तो वह यह बाप का लक्ष्य सबको मिलेगी, शिव बाबा को याद करो, वो ही सदगति दाता है। तुम रामचंद्र की भी जीवन कहानी बता सकते हो, कब से उनका राज्य शुरू हुआ, कितना वर्ष हुआ, ऐसे ऐसे ख्यालात आने चाहिए। शिव के मंदिर में शिव की बायोग्राफी सुनानी पड़े, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में लक्ष्मी नारायण की महिमा करनी पड़े, राम के मंदिर में जाएंगे तो राम की जीवन कहानी सुनाएंगे। अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो तो देवी देवता धर्म कर स्थापन करने का, हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन नहीं किया है, बाकी हिंदू कोई धर्म नहीं है, यह सीधा कहने से बिगड़ेंगे, समझते हैं? या कोई ईसाई है, तुम बोलो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, जिसको आजकल हिंदू कह दिया है। अच्छा बाबा जो ऊपर कह रहे, देखो आप यदि कोई पीएमटी पीईटी कॉलेज में जाते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे, यदि आप वहाँ जाकर के कोई लॉयर की पढ़ाई पढ़ाने लग जाएंगे तो वहाँ जचेगा क्या, उनको समझ में आएगा क्या? कोई मैथमेटिक का स्टूडेंट है, आप वहाँ जाकर के पॉलिटिक्स बताने लग जाएंगे तो समझ आएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि जहाँ जाना है तो उधर उसी का बताओ बायोग्राफी, है ना? अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लादे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का लाड प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को, नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी मात पिता बाप दादा का लाड प्यार और गुड मॉर्निंग। बाबा ने आज धारणा के लिए मुख्य सार बताया, पहला शिव जयंती धूमधाम से मनाओ, दिल से खुशी मनाओ, बाबा आया है ना, मेरा पिता आया है, हमारे लिए आया है, बहिष्ट लाया है, खूब 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 चिंतन करो, बाकी सब चिंता शिव बाबा पर छोड़ दो। तो शिव बाबा के मंदिर में शिव की और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में लक्ष्मी नारायण का, राधे कृष्ण की बायोग्राफी सुनाओ, सबको युक्ति युक्त समझाने दो। दूसरा, ज्ञान अंधियारे से बचने के लिए आत्मा रूपी दीपक को ज्ञान घृत से सजा सदा प्रज्वलित रखना है, दूसरों को भी अज्ञान अंधियारे से निकालना है, वरदान है सर्व खजानों से संपन्न बन, निरंतर सेवा करने वाले अखुट अखंड महादाने भव। बाप दादा ने संगम युग पर सभी बच्चों को अटल अखंड का वरदान दिया है, जो इस वरदान को जीवन में धारण कर अखंड महादानी अर्थात निरंतर सहज सेवाधारी बनते हैं, वह नंबर वन बन जाते हैं। द्वापर से भक्त आत्माएं भी दानी बनती हैं, लेकिन अखुट खजानों की दानी नहीं बन सकती। विनाशी खजाने या वस्तु के दानी बनते हैं, लेकिन आप दाता के बच्चे जो सर्व खजानों से संपन्न हो, वह एक सेकंड भी दान देने के बिना रह नहीं सकते। शुक्रिया बाबा। स्लोगन है, अंदर की सच्चाई सफाई प्रत्यक्ष तब होती है जब स्वभाव में सरलता हो। अंदर की सच्चाई सफाई प्रत्यक्ष तब होती है जब स्वभाव में सरलता हो। अच्छा, ओम शांति।